राम राम दोस्तों, 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस वक्त देश के कई सारे नामांकित लोगों को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता मिल गया था। यह न्योता देश के सफल बिजनेसमैन मुकेश अंबानी को भी दिया गया था, लेकिन दोस्तों, मुकेश अंबानी ने राम मंदिर पर ऐसा क्या कहा जिसे सुनकर सब हैरान हो गए। आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। तो दोस्तों, सच्चे प्रभु श्री राम के भक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले रामलाल की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को ही आखिर क्यों की गई? तो देखा जाए तो राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए कई विकल्प थे, जिसमें 17 जनवरी से 25 जनवरी तक के 5 तारीख थे, लेकिन काशी के ज्योतिषाचार्य पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने 22 जनवरी का दिन चुना। 22 जनवरी को दोपहर बड़ा बजे से मृगशीर्ष नक्षत्र था। विद्वान ज्योतिषाचार्यों के अनुसार 22 जनवरी के दिन बड़ा बजकर 29:08 से 12:30:32 तक का समय कई वाणों से दोष मुक्त है। यह समय अग्निबाण, मृत्युबाण, चोरबाण, नृपबाण और रोगवान से मुक्त है। आपको बता दें, यह शुभ मुहूर्त मात्र 84 सेकंड का ही था। इसी दौरान भगवान राम को गर्भगृह में विराजित किया गया। इस पर स्वामी राम भद्राचार्य का कहना है कि 22 जनवरी को कूर्म द्वादशी है। इस दिन भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लेकर समुद्र मंथन पूर्ण कराया था। भगवान राम भी विष्णु के अवतार थे, इसीलिए दोस्तों 22 जनवरी को इतना महत्व है। अगर दोस्तों आप भी प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। राम मंदिर में राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले देश के सबसे रईस शख्स मुकेश अंबानी ने अपने आलिशान घर एंटीलिया को भी राम नाम से रंग दिया। एंटीलिया की राम नाम की रोशनी में नहाई हुई खूबसूरत तस्वीरें इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हैं। अंबानी परिवार भगवान में बहुत विश्वास करता है और गाहे बगाहे देश के इस अरबपति परिवार को मंदिरों में अलग अलग भगवान के दर्शन करते देखा जाता रहा है। मुकेश अंबानी के घर में भगवान के प्रति अपार श्रद्धा के प्रतीक जगह जगह पर हैं और उनकी पत्नी नीता अंबानी भी मंदिरों में दर्शन के लिए जाती रहती है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आने के लिए अंबानी परिवार को निमंत्रण मिला था और वो इस पावन पर्व के अवसर पर अयोध्या आए हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई धूमधाम और बहुत ही भव्यता के साथ। इसे मनाया गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी भी परिवार के साथ अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक अवसर पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को 2,51,00,000 रुपए का दान देने का ऐलान किया। RIL चेयरमैन मुकेश अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन की चेयर पर्सन नीता अंबानी अपने परिवार के साथ राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए। लाओ के चेयरमैन आकाश अंबानी भी अपनी पत्नी लोका मेहता के साथ राम मंदिर में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि यह दिन इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। 22 जनवरी को छुट्टी घोषित करने वाले पहले निजी संगठनों में से एक था, जिससे उनके लाखों कर्मचारी परिवार के साथ जश्न मना सके और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हो सके। अयोध्या धाम कभी न भूलने वाले उस पल का गवाह बना जिसकी लोग करीब 500 साल से पलक बिछाए इंतजार कर रहे थे। हर तरफ राममय भक्ति का नजारा है। करीब 8,000 मेहमानों में कई VVIP शामिल हुए, जिनमें उद्योग जगत से लेकर फिल्मी कलाकार भी शामिल थे। इस अवसर पर वो बेहद खुश दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि प्रभु राम आ रहे हैं और 22 जनवरी को पूरे देश में राम दिवाली मनाई जाएगी। उनकी पत्नी और रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक दिन है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन ने पहले भी कई मंदिरों के लिए दान दिया है। सबसे ताजा मामला पिछले साल अक्टूबर में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को दिया गया 5 करोड़ रुपए का दान है। फरवरी 2023 में उन्होंने और उनके बेटे आकाश ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर का दौरा किया और इसके ट्रस्ट को 1,51,00,000 रुपए का दान दिया। अंबानी ने सितंबर में केरल के गुरुवायूर श्री कृष्ण मंदिर में किसी एक भक्त द्वारा 1,50,00,000 रुपए का अब तक का सबसे अधिक दान दिया। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।